गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह मैंने नर्सरी से कुछ पौधे ख़रीदे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ कि नर्सरी से लाने के बाद प्लांट्स की कैसे केयर करनी चाहिए, उसको कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को प्लांट लगाना अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिससे उनके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए आपको आज वही सारी चीज़ें बताते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं कि प्लांट्स खरीद कर लाए और उसे तुरंत ही लाकर पॉट्स में लगा दिया। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि प्लांट को लाकर उसे कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। आपके पास और भी जो प्लांट हैं उनके बीच में ला के उन्हें रख देना चाहिए। प्लांट्स जो होते हैं वो नर्सरी में एक अलग सराउंडिंग्स में होते हैं और आपके यहाँ के एक अलग सराउंडिंग में रहते हैं। अगर आप उनको तुरंत ही उनकी मिट्टी को चेंज कर देंगे तो प्लांट बहुत जल्दी मर जाएंगे और वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप जैसे ये छोटे प्लांट्स हैं तो इन छोटे प्लांट्स को आप अपने किसी भी बड़े प्लांट के मिट्टी के बीच में ऐसे रख दीजिए, तो वो उससे नरिशमेंट भी लेता रहेगा और वो 2-3 दिनों तक उस टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेगा जिस टेम्परेचर में आपके पौधे लगे हुए हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को ख़रीद कर लाए और उसको क्या किया, जैसे हम लोगों ने विंटर के प्लांट को अब हमें हटाकर समर वाले प्लांट्स लगाने हैं, तो हम लोगों ने जल्दी से मिट्टी में उसी मिट्टी में विंटर वाले समर वाले प्लांट्स को ला के लगा दिया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपके प्लांट विंटर वाले बहुत दिनों तक उसमें चल रहे होते हैं, मिट्टी भी उसकी फर्टिलिटी भी कम हो चुकी होती है, दूसरा उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। अगर आपका वो मिट्टी ख़राब है और आपने लाके उसमें नए प्लांट को लगा दिया तो क्या होगा, वो फंगस जो है वो आपके प्लांट की जड़ों में लग जाएगा, आपके प्लांट को पूरी तरीके से ख़राब कर देगा। तो आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी मिट्टी को प्लांट जो भी पुराने प्लांट हैं आपको उन्हें को हटाने हैं, उसको हटा के और मिट्टी को कुछ दिनों के लिए गुड़ाई करके छोड़ देना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे उसको किया है। ये देखिए, मैंने प्लांट लगाने के लिए मिट्टी को तैयार कर लिया था। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ ये मिट्टी है और इसकी गुड़ाई करके मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया। अगर इसमें कुछ भी, इसको कुछ दिनों के लिए आपको धूप में रख देना है। धूप में होने से भी काफ़ी असर होता है, इसमें कुछ भी चींटी या कोई भी कीड़े कीट वीट होंगे तो वो हट जाएंगे। फ्रेंड्स, तीसरी जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि प्लांट को लाए और उसको लाकर सीधे मिट्टी में लगा दिया। अभी मैंने जैसे आपको मिट्टी दिखाई थी उसमें कोई भी खाद नहीं मिली हुई थी, और अगर आप ऐसी मिट्टी में प्लांट को लगा देंगे तो प्लांट बहुत दिन सर्वाइव नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद देखिएगा उसमें आपको खुद असर दिखने, अभी ये देख रहे हैं आप कितना हरा हरा प्लांट है, अभी आप इसको सिर्फ वैसी मिट्टी में लगा देंगे तो कुछ दिनों बाद इस प्लांट पे असर आने लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आप मिट्टी की गुड़ाई करके उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद उसमें आप कोई भी खाद, या तो वर्मी कंपोस्ट या तो गोबर की खाद अच्छे से मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद वो गमले की मिट्टी जो आप तैयार करेंगे उसमें इन पौधों को लगाइए, देखिएगा आपको फ़र्क खुद दिखेगा। आखिरी सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, बिना किसी फंजीसाइड को मिलाए हुए हम लोग प्लांट को लगा देते हैं। प्लांट अगर बाहर से आता है तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं कुछ फंगल इन्फेक्शन उसकी मिट्टी में हो सकता है और दूसरे प्लांट्स की वजह से, क्योंकि नर्सरी में वो बहुत सारे प्लांट्स के बीच में रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर आपकी मिट्टी में फंगस नहीं है तो हो सकता है उस लाए हुए प्लांट में फंगस हो, तो जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाए। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको जो भी आप खाद फर्टिलाइज़र मिला रहे हैं उसके साथ में आपको फंजीसाइड ज़रूर ऐड करना है। फंजीसाइड में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप नीम की खली ऐड करिए। नीम की खली जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है और हर प्लांट के लिए बेस्ट होती है। अगर आप कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप नीम की खली का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो मार्केट में बहुत सारे फंजीसाइड्स आते हैं, आप उनको ले आइए और आप अपने प्लांट की हाइट के अकॉर्डिंग उसमें आप उसकी क्वांटिटी को ऐड करिए। बहुत ज़्यादा अगर आप फंजीसाइड दे देंगे तो भी प्लांट के लिए नुकसानदायक है। पांचवी जो हम लोग गलती करते हैं नर्सरी से प्लांट लाने के बाद, वो कि प्लांट को रिपोर्ट किया और उसके बाद उसको धूप में रख दिया। अब इस समय मानसून का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग उसको खुले पौधों को रिपोर्ट करने के बाद खुले में रख देते हैं। नहीं, ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर हल्का शेड हो,
अगर उसको बारिश और धूप हल्की चाहिए, रिपोर्ट किए हुए प्लांट को बहुत ज़्यादा ना धूप ना बहुत ज़्यादा बारिश का पानी जाना चाहिए, क्योंकि वो प्लांट नया नया मिट्टी में ग्रो कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा पानी चला जाएगा और बहुत ज़्यादा धूप उसको लगेगी तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है। हाँ, पुराने प्लांट्स हैं उनको बारिश का पानी उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर भी जो आप अगर इन नए प्लांट्स को, इन छोटे पौधों को अगर आप बारिश के में ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, या इस पौध को अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो रिपोर्ट करने के बाद, तो वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कोशिश यही करिए कि उसको ऐसी जगह पर प्लेस करिए जहाँ पर सुबह शाम की धूप मिले उसको। धूप भी ज़रूरी है, लेकिन वो हल्की धूप हो। ऐसी अगर आपके यहाँ ऐसा एरिया नहीं है कि आप उसको शेमी शेड एरिया में नहीं रख सकते हैं, तो कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा ग्रीन नेट का सहारा लीजिए। और अगर आप ग्रीन नेट भी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी बहुत तेज़ धूप और बहुत तेज़ बारिश होने पर उसमें थोड़ा सा कुछ जुगाड़ करके पॉलीथीन से या पन्नी लगाकर आप उसको बचा सकते हैं। ये तो आपके हाथ में है कि आप कैसे अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। अगर आप कोशिश करिए तो आप उनको मरने से भी बचा सकते हैं। यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे इसके साथ शेयर करना चाहती थी कि नर्सरी से लाने के बाद आप ये सारी गलतियाँ ना करें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।